नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जनजाति कार्य विभाग के विशेष अभियान के अंतर्गत जिन एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालकों की मैपिंग की गई है और जो एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालक अपनी मर्जी से जो संकुल का चयन किया है, उस संकुल में बैठकर यदि आप विशेष अभियान के अंतर्गत जो जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो 6.6A के अनुसार जो ब्लड रिलेशन के अनुसार जाति प्रमाण पत्र बनाना है, वो जाति प्रमाण पत्र आप कैसे ऑनलाइन करोगे, इसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जनजाति कार्य विभाग के विशेष अभियान के अंतर्गत जो भी एमपी ऑनलाइन मैप्ड है और जो आपको स्कूल संकुल अलाट की गई है, उस संकुल पर जाकर उस संकुल के अंतर्गत जितने भी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, चाहे गवर्नमेंट है या प्राइवेट स्कूल है, उनके जो भी आवेदक है, जो भी प्रिंसिपल है, उनके द्वारा यदि आपको दोस्तों बुलाया जाता है और आपको जो दोस्तों डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनाने का बोला जाता है, तो उनके जो भी डिजिटल जाति प्रमाण पत्र आप बनाने के लिए आपको सबसे पहले दोस्तों लोक सेवा केंद्र या फिर लोक सेवा केंद्र से आपको एक आवेदन फॉर्म ले आना है STSC, केवल STSC के छात्रों का, और उसकी फोटोकॉपी कर लेना है। और उसके बाद में जितने भी सदस्य उनके सबके आपको जो लोक सेवा द्वारा दिया गया जाति प्रमाण पत्र का सेट है वो भर कर लेना है। उसके बाद में कुछ इस तरीके से एक जो है दोस्तों पटवारी का प्रमाण पत्र, मौका पंचनामा है, और पटवारी प्रमाण पत्र और ये जो सजरा प्रारूप है, यानी कि आपके जो वंशावली का प्रारूप है 1950 की स्थिति वाला, तो ये प्रारूप भी आपको बनवा लेना है। उसके बाद में ये पटवारी के साइन करवा लेना है। उसके बाद में जो भी आपके पंचायत का जाति प्रमाण पत्र है वो पंचायत सचिव के द्वारा, और साथ में स्कूल शाला अभिलेख का जो भी डाटा है वो आपको सब तैयार कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपका जो भी कियोस्क है, वो कियोस्क को आपको एमपी ऑनलाइन के ऑफिशियल पोर्टल पर आकर अपने कियोस्क को आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में दोस्तों आपका जो भी डैशबोर्ड दिखेगा, उसके बाद में आपको कियोस्क सेवाओं में एमपी डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके से एमपी डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन पुनः दिखेगा। उसके बाद में ये वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। साथ ही दोस्तों आपको एक नया ऑप्शन यहाँ पर शो होगा, ये ऑप्शन उन्हीं कियोस्क संचालकों का होगा जिनकी जो ID मैप की गई है विशेष अभियान, जनजाति कार्य विभाग विशेष अभियान के अंतर्गत यदि आपकी ID मैप की गई है तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, अन्यथा शो नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपको शो होगा, तो उसके बाद में आप जिस स्कूल का बनाना चाहते हो उस स्कूल को आपको सिलेक्ट कर लेना, और उसके बाद में अप्लाई फॉर सर्विस अंडर अभियान का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना, तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। पिछले वीडियो में हमने जानकारी दी थी कि दोस्तों आप आय प्रमाण पत्र और अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र, जो आपका जाति प्रमाण पत्र STSC का फ्रेश कैंडिडेट का, वो जाति प्रमाण पत्र 6.3 वाला जो है कैसे बनाओगे। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के बारे में। तो सिंपल से आपको ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको एक आवेदन फॉर्म खुलकर सामने आएगा। जिस तरीके से आप फ्रेश वाला आवेदन कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर आपको जो है दोस्तों फॉर्म खुलकर सामने आएगा। तो यहाँ पर आपको समग्र मेंबर ID व्यक्तिगत जो भी जिसका भी आप बना रहे हो उनका जो है दोस्तों उस छात्र का जो भी समग्र ID है वो समग्र ID देना है। यदि समग्र ID छात्र छात्रा की KYC नहीं है, तो सबसे पहले आपको छात्र छात्रा की समग्र ID KYC कर लेनी है, ताकि उसी KYC के अनुसार आपका फॉर्म फिल होगा। अन्यथा दोस्तों आपका आवेदन फॉर्म फिल नहीं होगा। यदि आपकी ID KYC नहीं, समग्र ID, तो आवेदन फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपनी समग्र ID KYC कर लेना है। KYC करने के 24 से 48 घंटे के बाद में आपको आवेदन करना है, ताकि आपका आवेदन जो है दोस्तों हो सके। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आवेदक की जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी देनी, तो यहाँ पर सबको समग्र मेंबर ID देना है। जैसा आवेदक जिस छात्र छात्रा का आप आवेदन कर रहे हो उसकी जो भी ID वो ID देनी है। तो यहाँ पर समग्र मेंबर का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक रहेगा, पिता का नाम आ जाएगा। यदि पिता का नाम आपको संशोधित करना है तो आप संशोधित कर सकते हैं। उसके बाद में जेंडर भी दोस्तों आपकी समग्र ID के अनुसार ले लेगा। यदि जेंडर आपका गलत है तो यहाँ पर आप सही कर सकते हैं। उसके बाद में क्या आप शिक्षित है, यदि है तो हाँ को सिलेक्ट करना। उसके बाद में ईमेल ID है तो यहाँ दे, अन्यथा इसको छोड़ दे। उसके बाद में यहाँ पर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो भी है उसका आपको चयन कर लेना। उसके बाद में दोस्तों मोबाइल नंबर, जो आपकी समग्र ID KYC करोगे और जो आपका मोबाइल नंबर था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक हो आ जाएगा। पता भी यहाँ पर आपको दिखेगा, लेकिन पता यदि आप किसी तरीके से संशोधित करना चाहते हैं तो पता भी संशोधित कर सकते हैं। उसके बाद में पिन नंबर देना और टैप की को प्रेस करना। जैसे आप टैप की को प्रेस करोगे तो यहाँ पर जिला ऑटोमेटिक धार, जो भी आपकी समग्र के अनुसार
और जो आपका जो कियोस्क है जिस जिले का मैपिंग है वो जिला रहेगा। उसके बाद में आपको तहसील का चयन करना है, ग्रामीण या शहरी उसका चयन कर ले। यदि आप शहरी का चयन करते तो यहाँ ग्राम शहर का चयन करना है, और जो भी आपका वार्ड वार्ड का चयन कर ले। और ग्रामीण का चयन करते तो आपके गांव का नाम चयन कर लेना, वार्ड का चयन नहीं करना। उसके बाद में दोस्तों ये जानकारी ऑटोमेटिक रहेगी। यहाँ पर क्या आवेदक को आवेदन की प्रति दी जाना है, यहाँ को सिलेक्ट करना और सिंपल से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपका जो आवेदन है फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड स्टेप यहाँ पर खुलकर ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो भी हितग्राही का नाम समग्र नंबर है वो ऑटोमेटिक जो आपने दिया था वो रहेगा और नाम ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर श्री श्रीमती कुमारी जो जिसका भी आप आवेदन कर रहे हो, जिस छात्र छात्रा का कर रहे हो, उसका जो भी जो है दोस्तों मेन पॉइंट है वो आपको चयन कर लेना, जो भी हेड है वो चयन कर लेना। उसके बाद में छात्र छात्रा का नाम हिंदी में ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद में पिता का नाम हिंदी में लिखना है, माता का नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर नाम जो है दोस्तों छात्र छात्रा का इंग्लिश में लिखना है, पिता का नाम इंग्लिश में ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद में माता का नाम यहाँ पर अंग्रेजी में लिखना है। जो भी जन्मतिथि आधार कार्ड में वो जन्मतिथि यहाँ पर आपको देनी है। उसके बाद में जन्म स्थान जो भी वो यहाँ पर देना, और आपका जो वर्तमान पता वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा जो समग्र के अनुसार और जो आपने ऊपर फर्स्ट स्टेप में दिया था। तो ये जानकारी फिल करने के बाद में आपको स्क्रॉल कर नीचे आना। जैसे आप स्क्रॉल कर नीचे आओगे उसके बाद में आपका वर्तमान पता है दोस्तों यहाँ पर ऑटो फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पटवारी हल्का नंबर, तो आप जो ये वाला फॉर्मेट बनाओगे तो यहाँ पर पटवारी हल्का नंबर पटवारी के द्वारा लिखा जाएगा, वही पटवारी हल्का नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद में परिवार के सदस्य पिता भाई बहन का पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र का विवरण यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर उनका जो भी जाति प्रमाण पत्र उसका पंजीयन नंबर यहाँ पर आपको देना है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जानकारी जारी यदि है तो हाँ को सिलेक्ट कर, और यदि ऑफलाइन वाला बना है तो नहीं को सिलेक्ट करना। उसके बाद में नाम जैसा जाति प्रमाण पत्र में वो देना, और ई डिस्ट्रिक्ट से बना डिजिटल है तो हाँ को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर कुछ जानकारी ऑटो फिल होकर आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर जिले का नाम देना है, उसके बाद में जारी दिनांक देना है, उसके बाद में संबंध क्या है पिता भाई या बहन जिसका भी है उसका आपको चयन कर लेना है। उसके बाद में जारीकर्ता कार्यालय जो भी आपके सब डिविजनल ऑफिसर ऑफिस है उसका नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है। यदि आपका डिजिटल है तो यहाँ पर हाँ को सिलेक्ट करोगे तो कुछ जानकारी ऑटो फिल होकर आएगी और कुछ जानकारी आपको फिल करनी है। उसके बाद में जाति की श्रेणी यहाँ पर आपको चयन करना है, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो भी है यहाँ पर आपको चयन कर लेना। जैसे आप जाति का चयन करोगे तो जाति एवं उपजाति यहाँ पर आपको शो होगी, तो आपकी जो भी उपजाति है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना। जो भी आपकी उपजाति है वो उपजाति यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में दोस्तों यदि हाँ तो राष्ट्रपति द्वारा जातियों की अधिसूची जारी करने की तिथि 1950 की स्थिति में मध्य प्रदेश परिवार का निवास का पता का निवास पता और वर्तमान पता एक है तो चेकबॉक्स पर आप क्लिक करोगे तो आपका पता सेम हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर छात्र छात्रा की जो भी फोटो है फोटो स्कैन कर यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर अपलोड करना है। उसके बाद में सारे घोषणा पत्र पर आपको क्लिक करना है और सिंपल से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो होगा, तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर आप किसी कागज पर नोट कर ले, इसको कॉपी करके सुरक्षित रख ले। उसके बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आवेदक का नाम पिता पति का नाम आवेदक का पता सारी जानकारी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। और उसके बाद में यदि आपको एडिट करना है तो एडिट पर जाकर आप एडिट कर सकते हैं, अन्यथा आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों जैसे आप अपना एप्लीकेशन नंबर किसी कागज़ पर नोट कर लोगे उसके बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर अपलोड करोगे वो डिजिटल सिग्नेचर यानी कि DSD फाइल होना चाहिए जो कि 1 MB से कम की होना चाहिए। यदि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं बनी है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको जो भी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो डिजिटल सिग्नेचर में अपलोड करना है। जैसे आप सारे दस्तावेज डिजिटल सिग्नेचर यानी कि DSD फाइल अपलोड कर दोगे तो सबसे पहले स्वयं आवेदक के परिवार के किसी सदस्य पिता भाई बहन जो आपने सिलेक्ट किया था को पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा प्रदायित जाति प्रमाण पत्र की प्रति, तो जो भी जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया आपको दिया गया वो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है जो कि DSD फाइल में आपको अपलोड करना है। उसके बाद में राशन कार्ड पात्रता पर्ची अन्य दस्तावेज जिसमें परिवार के सदस्य का उल्लेख हो, तो आपकी जो भी समग्र आईडी है तो समग्र आईडी है, फिर आपको जो भी राशन पात्रता पर्ची दी गई है वो राशन पात्रता पर्ची या राशन कार्ड जो भी आपके पास है जिसमें आवेदक का जो आप बना रहे उनका नाम होना चाहिए वो आपको DSD फाइल में स्कैन कर अपलोड करना है। उसके बाद में स्वयं आवेदक के शैक्षणिक योग्यता संबंधी जो भी दस्तावेज उपलब्ध है वो यहाँ पर आपको देना है, स्कैन कर अपलोड करना है। जो पिछले कक्षा की जो मार्कशीट है वो स्कैन कर अपलोड करना है। उसके बाद में जाति एवं निवास के संबंध में घोषणा पत्र जो है वो घोषणा पत्र आपको दोस्तों यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। उसके बाद में आवेदक के परिवार
परिचय पत्र, आवेदक का परिचय पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की छाया प्रति। तो यहाँ पर आपको सिंपल से जो भी छात्र छात्रा उसका जो भी आधार कार्ड है वो आधार कार्ड फ्रंट और बैक साइड का दोनों स्कैन कर एक फाइल बना लेनी, मर्ज कर और उसको DHD फाइल में यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो ये सारे दस्तावेज आपको चूज फाइल पर क्लिक कर अपलोड करना है। जैसे आप अपलोड कर दोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको टारगेट डेट भी दी रहेगी कि कौन सी तारीख को आपका जो प्रमाण पत्र है वो डिस्पैच कर दिया जाएगा। और उसके बाद में आपको सबमिट वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपल से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। इसमें आपको किसी तरह की कोई शुल्क नहीं देना है और न ही किसी MP ऑनलाइन संचालक द्वारा मांगी जाती है तो उनको भी नहीं देना है। साथ ही आप जो MP ऑनलाइन कियोस्क संचालक है आपको जो दोस्तों इसमें किसी तरह का आपके वॉलेट से कोई किसी तरह का शुल्क नहीं काटेगा, इसलिए आपको किसी तरह का शुल्क बच्चे से नहीं लेना। और जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद में जो रसीद निकलेगी वो रसीद की जो है दोस्तों आप प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकालने के बाद में जो फॉर्मेट रहेगा लोक सेवा केंद्र के द्वारा जो प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में फॉर्मेट था आपने जो बच्चे से भरवाया था वो फॉर्मेट जो है दोस्तों उसके साथ में ये जो है दस्तावेज की रसीद यानी कि जो आवेदन की रसीद ये लगानी रहेगी। साथ में जो दस्तावेज मांगे जा रहे जो आपने DHD फाइल में अपलोड किया था ये दस्तावेज ये सारे सेट आप जो है स्कूल प्रिंसिपल के द्वारा तैयार किया जाएगा। और उसके बाद में स्कूल के प्राचार्य या वहाँ के जो भी कर्मचारी उनके द्वारा जो भी नज़दीकी SDM ऑफिस है जहाँ पर आपका आवेदन सबमिट होता है ऑनलाइन वहाँ पर जो दोस्तों उनके द्वारा जमा किया जाएगा। आपको सिर्फ आवेदन ऑनलाइन करना है, उसके अतिरिक्त जो भी काम रहेगा जो भी दस्तावेज की जानकारी है वो सारे स्कूल प्राचार्य के द्वारा आपको दी जाएगी, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से 6.6A ब्लड रिलेशन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि पिता भाई या बहन किसी का भी जो दोस्तों जाति प्रमाण पत्र है और उसके आधार पर आप अपना डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं और आप MP ऑनलाइन कियोस्क संचालक है यदि ब्लड रिलेशन में आवेदन करना चाहते हैं, जो भी आवेदक छात्र छात्रा उनका जो दोस्तों पिता बहन या भाई या फिर परिवार के किसी भी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र है तो उसका जो प्रमाण पत्र ब्लड रिलेशन वाला आप डिजिटल जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आप इस तरीके से फ्री में कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।